हैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। राजस्थान चुनाव में बीजेपी की ओर से 41 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने की कई सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध होने लगा है। जयपुर की झोटवाड़ा सीट से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत को टिकट नहीं मिलने से समर्थक काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया है। राठौर को टिकट दिए जाने के बाद राठौर और शेखावत समर्थक आमने सामने आ गए हैं। उधर एक और राजपूत नेता आशू सिंह सुरपुरा भी टिकट पाने के प्रयास में लगे हुए हैं। पार्टी की ओर से टिकट बदलने की संभावना नहीं है, लेकिन नेताओं के न सिर्फ प्रयास जारी हैं, बल्कि विरोध भी हो रहे हैं। झोटवाड़ा से पूर्व विधायक और मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। राजवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिए जाने के खिलाफ काली पट्टी बांध कर मौन जुलूस निकाला गया। कालवाड़ रोड पर राजपाल सिंह के करीब 300 से 400 समर्थक एकजुट हुए और मार्बल मंडी से हाथौज चौराहे तक जुलूस निकाला। इस जुलूस के बाद बड़े स्तर पर विरोध का निर्णय भी लिया गया। राजपाल सिंह के समर्थकों ने इस जुलूस वाले प्रदर्शन के पहले भी राजवर्धन सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध जताया था। 9 अक्टूबर को बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद उसी रात राजपाल सिंह पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे थे। उनके समर्थक भी वहां जमा हुए और जमकर नारेबाजी भी हुई। वहां देर रात तक राजवर्धन सिंह गो बैक के नारे लगते रहे। झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर राजवर्धन सिंह को टिकट दिए जाने के बाद भी राजपाल सिंह के समर्थकों का विरोध जारी है। यही नहीं, एक राजपूत नेता आशू सिंह सुरपुरा भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लौकी पढ़ाई पूरी कर समाज सेवा रास्ते राजनीति में कदम बढ़ा रहे आशू सिंह शेखावत भी इस क्षेत्र में ताल ठोक रहे हैं। राजपाल सिंह और आशू सिंह दोनों ही बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन यदि टिकट में बदलाव नहीं किया गया तो यही दोनों पार्टी के लिए नुकसान का कारण बन भी सकते हैं। और यहाँ पर जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर राज्यवर्धन का काफिला निकला और वहां पर काले झंडे उनको दिखाए गए और उनका विरोध वहां पर किया गया। और लगातार ये विरोध तभी से शुरू है जब से 41 नामों की सूची सामने आई है। और अब देखना होगा कि राजस्थान के अंदर बीजेपी को और कितना विरोध का सामना करना पड़ेगा। क्या उनके नेता ही यहाँ पर उनका जो है हार का कारण बनते हुए नजर आएंगे? ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और 41 सूची आने के बाद ये दावेदारी अब और भी प्रबल होती हुई नजर आ रही है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।